जी हम न्यूज स्लाइड लेंगे, इस तरफ देखें बिल्कुल गौर से कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं और उसका जो तरीकेकार होगा वो क्या होगा। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दूंगा। इंसर्ट में मैं जाऊंगा, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स शेप्स में ले लूंगा एक राउंडेड रेक्टेंगल। इस तरफ देखें आप, छोड़ें उनको, राउंडेड रेक्टेंगल मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने उसे जो है वो ड्रॉ किया। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपनी जो है वो स्पेस देकर उस तरीके से बनाइएगा। और यहाँ से देखें, इस पॉइंट को मैंने पकड़ के इसको फुली राउंडेड कर दिया और राउंडेड करने के बाद मैं फॉर्मेट शेप में जाऊँगा। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद फिल फिल में जाके इसका मैं कलर जो है वो कर दूंगा ग्रे, ठीक है, और इसकी जो लाइन का कलर है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। और फिर मैं जाऊंगा इसके शेडो में, शेडो दे दूंगा इसको। यहाँ से प्रीशेड शेडो में जाके ये इनर शेडो में से ये मैं सिलेक्ट करूंगा इनसाइड सेंटर, और यहाँ से मैं इसकी जो है वो पॉइंट्स बढ़ा दूंगा, ब्लर के पॉइंट्स बढ़ा दूंगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी देखूंगा, एंगल मेरा ठीक है। ठीक है जी, इस तरीके से मैं इसको ले आऊंगा। इसके बाद मज़ीद एक और जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल में लूँगा और इसके अंदर रख के मैं इसको यहाँ तक ले आऊँगा, ठीक है। मैं साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको जो है वो नज़र आए। इसको भी मैं गोल शेप में कर दूंगा। गोल शेप में करने के बाद मैं इसको छोटा कर लूंगा, ठीक है। छोटा करने के बाद अब मैं इसके बीच में लाकर इसको यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। नज़र आ रहा है, इसकी सेटिंग कर लूंगा कि कहाँ पर रखना है, बिल्कुल बीच में रखना है। और अब इसका जो कलर है फिल कलर वो मैंने करना है थोड़ा सा डार्क, ठीक है। डार्क करने के बाद सेम वही जो है वो शेडो में इसमें दे दूंगा इनर शेडो, और इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका एक जो है वो पट्टी बन गई जिसके अंदर आपके ये ब्लून्स जो है वो आएंगे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स शेप्स में दे लूँगा राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल शिफ्ट दबा के मैं इसको जो है वो सॉरी ये ओवल शेप ले लूँगा। ओवल शेप लेने के बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको जो है वो ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद मैं इसकी पोजीशन सेट कर दूँगा कि कहाँ पे इसको रखना है मैंने। अच्छा, इस पे इसकी मैं जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा। अब मैंने इसके कलर सेट करने हैं। सबसे पहले मैं इसको रखूँगा ग्रेडिएंट कलर में। ग्रेडिएंट कलर के बाद यहाँ पे रखूँगा लीनियर, ठीक है जी, लीनियर कलर रखूँगा। और यहाँ से डायरेक्शन मैं ये रख दूँगा इसकी लीनियर डाउन। यहाँ से देखें ग्रेडिएंट स्टॉप्स आ रहे हैं, इसमें सिर्फ मैं दो स्टॉप्स जो है वो रखूँगा, बाकियों को डिलीट कर दूँगा। जो इसको मैंने डिलीट करना है उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से देखें ये रिमूव ग्रेडिएंट स्टॉप, इसको मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ से इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये एक रह गया मेरे पास, यहाँ से इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको कलर दे दूँगा मोर कलर में जाके। मिसाल के तौर पर मैंने एक ये कलर ले लिया, ठीक है जी, ओके कर दिया मैंने इसको। और यहाँ पर आकर
मैंने क्लिक किया, यहाँ इसका कलर मैं चेंज करूँगा, मोर कलर में जाके इसको मैं दे दूँगा थोड़ा सा डार्क कलर। इस तरीके से मैं इसको जो है वो, अच्छा अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं तकरीबन 50% कर दूँगा। क्या कर दूँगा? 50% इसकी भी और इसकी भी 50% कर दूँगा। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी मैंने इनकी 50% कर दी। अब मैं आ गया लाइन पे, कहाँ पर? लाइन पे आ गया। तो लाइन पे आने के बाद लाइन को भी मैं ग्रेडिएंट कलर करूँगा। क्या करूँगा? लाइन को भी ग्रेडिएंट कलर दूंगा। यहीं से सेम यही लीनियर ही होगा इसमें भी, ठीक है। और डायरेक्शन इसकी भी यही रखूँगा जैसे मैंने पहले रखी थी। एंगल इसका 90 डिग्री। इसके भी मैं बाकी जो पॉइंट्स हैं स्टॉप्स में डिलीट कर दूँगा। दो पॉइंट्स मैं इसके रखूँगा और उनमें एक में मैं कलर रख दूँगा, कौन सा? यहाँ से ये डार्क वाला, ठीक है। और ये जो इस पॉइंट को, पहले वाले पॉइंट को है, इसको मैं दे दूँगा वाइट कलर। और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर दूँगा 100%, ठीक है जी। अब अगर थोड़ी सी आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को, आप एक बार इसको सेट कर दें, ठीक है जी। ये करने के बाद अब एक और मैं जो है वो शेप ले लूँगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो ये नज़र आए। मैंने एक और जो है वो ओवल शेप ले ली और हल्का सा उसको मैंने जो है वो करके यहाँ पर देखें इसके बिल्कुल सेंटर में मैं रखूँगा, थोड़ा सा नीचे करके, और इसकी मैं आउटलाइन को जो है वो हटा दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाकर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। क्या कर दूँगा? सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इस पूरे को मैं जो है वो कंट्रोल जी करके ग्रुप बना दूँगा। क्या बना दूँगा? ग्रुप बना दूँगा, ठीक है जी। अब मैंने जो है वो जितने बलून्स बनाने हैं, मैं पहले उनकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। इसी को मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, देखें सेम डुप्लीकेट। इसकी पोजीशन मैं सेट कर दूँगा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ताकि ये आपको सही से नज़र आए। फ़िलहाल हम चार जो है वो बनाते हैं, ठीक है, बल्कि हम पांच बना लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इस तरीके से आपने इनको रखना है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ताकि ये आपका एक जो है वो आपका स्टाइल बन जाए। अब इस कर इस पर मैं जो है वो जाकर इसका कलर चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा जो लाइट कलर पहले मैं चेंज करूंगा। देखें यहाँ से जाकर मैंने ले लिया पिंक कलर, ये कलर मैंने ले लिया पर्पल, बल्कि पिंक ले लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से जो डार्क कलर है इसको भी मैं जाकर मोर कलर में जाकर यहाँ से डार्क कलर ले लूँगा। इस तरीके से ये आपका कलर बन गया और ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब वही रहेगी। लाइन में आ जाऊँगा मैं, लाइन को भी वही कलर करना है, ठीक है। यहाँ से डार्क कलर ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं रख कर इसको दे दूँगा वाइट कलर, ट्रांसपेरेंसी इसकी 100 कर दूँगा। अब मैं आ गया इस पे, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये लाइन है, ठीक है, ऊपर जाकर यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट करूँगा, मोर कलर में जाकर ये कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और डार्क में जाकर मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। और इसी तरह इसकी लाइन का कलर भी चेंज करना है, ये वाइट रखनी है और इसको हमने रखना है डार्क
ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी वही रहेगी, इसकी ट्रांसपेरेंसी 100 कर दें। इस पे मैं आ गया, यहाँ से ग्रेडिएंट का कलर चेंज करेंगे हम, कलर हम चूज़ करेंगे, हम रखेंगे जी ग्रीन कलर रख देते हैं, ठीक है, एक, और दूसरे में हम रखेंगे डार्क ग्रीन, ठीक है जी। इस तरीके से हमने ब्लून्स को सेट करना है, लाइन का कलर भी हमने चेंज करना है, जो जो कलर आप सिलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे ऑलरेडी आते जा रहे हैं। वाइट और ट्रांसपेरेंसी 100, इसको अब इसका भी हम कलर चेंज कर देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना सीख लें, फिर हम इसको जो है वो आगे चलाएंगे। लाइट कलर हम ले लेते हैं जी, पिंक तो हमारे पास पिंक नहीं है ना, ओ ब्लू नहीं है, चलें जी लाइट ब्लू हमने ले लिया, ठीक है। लाइट ब्लू लेने के बाद हमने डार्क ब्लू लेना है, ये हमारा आ जाएगा जी डार्क ब्लू, ठीक है, और इसकी लाइन का कलर हमने चेंज करना है। सिंपल यहाँ से ये वाला ब्लू लेना है, ये वाला वाइट लेना है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी 100 करनी है, ठीक है जी। ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन गए, अब आप इनको जो है वो सेट करके रख सकते हैं जहाँ पे भी आपने रखना है, और कोशिश करें जो आपके पास बना हुआ है एंगल उसी एंगल पे आप इसको जो है वो रख दें। रखने के बाद फिर हम इनको सेट करेंगे। अब एक और चीज़, मैं जाऊंगा इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूं इसकी, ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आएं। शेप ले लूँगा, शेप से मैं ले लूँगा ओवल शेप, ठीक है, और मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे ड्रा करूँगा, और यहाँ पे देखूँगा बिल्कुल इसके ये बराबर आ रहा हो, ठीक है। बराबर रखने के बाद मैं इसका कलर जो है वो कर दूंगा लाइट ग्रे, बल्कि और लाइट कर देता हूँ, ठीक है जी, लाइट ग्रे, और इसकी जो लाइन है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। अब कंट्रोल पकड़ के मैं सेम ऐसा ही एक बना लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ छोटा। हाँ कम क्लास वाले थी जो अच्छा है, ठीक है जी। इसकी मैं साइज़ छोटी कर दूंगा, छोटी करने के बाद मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज करूंगा। अब मैंने करना क्या है, मैंने इसका कलर वही रखना है जो इस जो है वो ब्लून का कलर है। तो पहले मैं ब्लून को सिलेक्ट करूंगा, होम पे जाऊंगा, फॉर्मेट पेंटर, और यहां से मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। देखें यही कलर इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ से मैं इसको उठाकर इसके बिल्कुल सेंटर में रख दूँगा। सेंटर में रखने के बाद मैं इसको जो है वो कर दूंगा ग्रुप, ठीक है। मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा, डुप्लीकेट बनाने के बाद मैंने एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, और एक और मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब मैं इन सबको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि उसका जो है मैंने कलर सेट कर लिया, अरेंज में जाकर मैं इनको अनग्रुप कर दूंगा, और अनग्रुप करने के बाद मैं इनका कलर सेट करूंगा, ठीक है जी। पहले इसको मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर लाकर मैंने क्लिक कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर इसको सेलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट पेंटर और इसको सेलेक्ट कर दिया,
यहाँ से इसको सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर और इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब दोबारा मैं इनको क्या कर दूंगा, ग्रुप बना दूंगा ताकि ये फिर आगे पीछे ना हों।